दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुरेन सिंह। दोस्तों ये गुड बुक चेंज योर लाइफ, हाँ दोस्तों किसी ने बहुत सही कहा है, अच्छी किताबें जिंदगी बदल देती है दोस्तों। और एक बात और किसी ने कहा है दोस्तों, बहुत सही कहा है कि जिस तरह से एक स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए अच्छा पोषण जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, उसी तरह से एक अच्छे मन को चलाने के लिए, अच्छे दिमाग को चलाने के लिए अच्छी किताबों का अध्ययन बहुत जरूरी है दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे ही बुक की जानकारी दूंगा, इसका नाम है अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों इसके लेखक है डॉक्टर जोसेफ मार्फी। जोसेफ मार्फी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अधिकांश समय पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बताया और उन्होंने अपनी रिसर्च के अनुसार और अपनी खोजों के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार एक बात उन्होंने आई कि एक ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो किसी तरह से हमें संचालित करती है और एक नई ऊर्जा प्रदान करती है और अपने लक्ष्य की तरह एक बढ़ाती है। और उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला, वही शक्ति हमारे भीतर है जिसका नाम है अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों अवचेतन मन की शक्ति, हाँ दोस्तों यह सही है, हमारे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति। अगर इसका इस्तेमाल करना हम सीख जाते हैं और अगर इसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों यही कहूंगा इस बुक के बारे में, कहूंगा कि बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार इस बुक को पढ़ें और अपने जो आपको गोल्स हैं उसको अचीव करें और अपनी जिंदगी बदलें। दोस्तों ये बहुत अच्छी बुक है। दोस्तों वैसे तो इस बुक में 20 चैप्टर दिए हुए हैं लेकिन मैं आपको जो आज कुछ महत्वपूर्ण इसके जो वाक्यांश आपको बताऊंगा जिससे कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों डॉक्टर जोसेफ मार्फी इन धर्मों के अध्ययन में और अवचेतन मन के अध्ययन में कई वर्षों तक भारत में भी रहे हैं। दोस्तों एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा सुखी क्यों होता है, और एक व्यक्ति सुखी क्यों होता है और एक समृद्ध क्यों होता है, और एक व्यक्ति भयभीत क्यों होता है और एक व्यक्ति तनावग्रस्त क्यों होता है, इतने सारे सवाल आपके भी मन में गूंजते रहते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति दुखी निराश और गरीब रहता है वो हमेशा नकारात्मक विचारों को अपने चेतन मन से अवचेतन मन को भेजता रहता है, हमेशा नकारात्मक विचारों को सोचता रहता है कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास धन दौलत नहीं है, इसलिए वो हमेशा गरीब बना रहता है क्योंकि नकारात्मक विचारों को अपने शरीर में भेजता रहता है अचेतन मन से अवचेतन मन में। लेकिन दोस्तों जो समृद्ध और शक्तिशाली होता है वो हमेशा सकारात्मक विचार अपने दिमाग को भेजता रहता है और अच्छी चीज़ें भेजता रहता है, इसलिए वो समृद्ध हो जाता है। दोस्तों हमारा अवचेतन मन एक भगवान की तरह है, जो हम सोचते हैं वही हमको मिलता है। जैसा भगवान यीशु ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है। दोस्तों विश्वास करने वाले के लिए हर चीज़ संभव है। दोस्तों कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो आपको कांटे मिलेंगे, आपको अंगूर नहीं मिल सकते ना। उसी प्रकार दिमाग को अगर आप अच्छे विचार देंगे, सकारात्मक विचार देंगे तो आपको परिणाम भी हमेशा हमेशा अच्छे आएंगे। आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना है, उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आँखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियमतों का भंडार है जिसमें आप सुखद समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी चीज़ें निकाल सकते हैं। अपने अवचेतन मन की छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते रहते हैं। दोस्तों यदि आप बहुत सारी दौलत कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो हमेशा धन को इज्जत करें, उसे पसंद करें, क्योंकि जिसकी आप इज्जत करते हैं वो आपको और दिया जाता है और जो आज इसकी आप निंदा करते हैं वो भी आपसे छीन लिया जाता है। दोस्तों अगर आप धन कमाना चाहते हैं
तो आप हमेशा दोहराएं कि मैं धन को पसंद करता हूं, मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करूंगा और मैं हर इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूं, हर हजार गुना मेरे पास लौटकर आती है। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक दूसरों को क्षमा ना कर दें। खुद को क्षमा ना करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। दोस्तों, अवचेतन मन का नियम कहता है कि जिस चीज़ के बारे में हम बार बार सोचते हैं, बार बार उनके बारे में देखते हैं, वो चीज़ ही हमको मिलती है। दोस्तों, आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप हमेशा सकारात्मक रहें और हमेशा अच्छा सोचें तो आपको हमेशा वो अच्छा मिलेगा और परिणाम भी आपको अच्छे आएंगे। क्योंकि अवचेतन मन का नियम है कि अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर हम हमेशा अच्छा रिजल्ट के बारे में, अच्छे परिणाम के बारे में, अच्छी सेहत के लिए सोचेंगे तो हमेशा हमारी सेहत अच्छी रहेगी और हमेशा हम स्वस्थ बने रहेंगे और हमारे अनुसार परिणाम हमको मिलेंगे। दोस्तों, हमेशा खुशी एक समृद्ध जिंदगी जीने की कल्पना करें और हमेशा अच्छे सोचेंगे तो हमेशा आपको अच्छा मिलेगा। दोस्तों, आप हमेशा अच्छी बुकें पढ़ते रहें और अपने खुराक को देते रहें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बताएं। दोस्तों, इस बुक का मैं आपको शॉर्ट में सारांश बताऊं कि जो भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आप हमेशा अच्छा मिलेगा और आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू।